और यह हाईवे पर कई जगहों पर चौड़ीकरण का काम नहीं हुआ है, सुरक्षा दीवारों का भी निर्माण नहीं कर पाया। नेशनल हाईवे विभाग यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, केदारनाथ हाईवे के हालात काफी खराब बताए जा रहे हैं। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम समय अब बचा है। प्रशासनिक स्तर पर यात्रा की तैयारियां भी तेज हो गई है। हालांकि मौसम की बेरुखी के कारण व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने में काफी समय लगेगा। ऐसे में शुरुआती चरण की यात्रा अव्यवस्थाओं के बीच हो सकती है। केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों पर मौसम की मार साफ देखने को मिल रही है। गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग पर जगह जगह अव्यवस्थाएं नजर आई। पैदल मार्ग के रामबाड़ा से कुछ दूरी पर पिछली बरसात में ध्वस्त हुई पुलिया के स्थान पर आज तक नई पुलिया का निर्माण नहीं हो पाया है, जिस कारण तीर्थयात्रियों को इस स्थान पर जान हथेली पर रखकर सफर तय करना पड़ सकता है। समस्याएं तो अभी यह है कि प्रशासन की तरफ से हमें तो समूह के माध्यम से तो मिल ही गया है, पर बर्फबारी बहुत देर से हुई है और बर्फ तो कुछ बहुत ही ज्यादा ही है। अभी लोग अव्यवस्थित हैं, व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लेबर को लगाना पड़ रहा है, हमने खुद ही लेबर लगाई है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लिंचौली से आगे 2 से 3 स्थानों पर बड़े बड़े ग्लेशियर बने हुए हैं, जिनको काटकर प्रशासन ने रास्ता तैयार किया है। यहाँ पर एक स्थान पर 10 से 15 फीट तो दूसरे स्थान पर 20 से 25 फीट तक ग्लेशियर देखे जा सकते हैं। पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ होने चाहिए, जो शौचालय है वो अभी अधूरे पड़े हैं। यहाँ पर तत्काल प्रशासन को उनको समय पे काम पूरा करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे लोकल लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोकल लोगों को परमिशन देनी चाहिए, चाहे वो लॉटरी वाले हैं, टेंट कॉलोनी वाले हैं, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है खाद्यान्न बहुत कम मात्रा में ऊपर पहुंचा है। घोड़े खच्चरों की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे नहीं है और प्रशासन को जल्द से जल्द घोड़े खच्चरों को यहाँ पर परमिशन देनी चाहिए ताकि खाद्यान्न और अन्य सामग्री वहाँ पे पहुँच सके। मौसम साफ रहने के चलते पुनर्निर्माण कार्यों में भी तेजी देखने को मिल रही है, जबकि इन निर्माण कार्यों के चलते यात्रा तैयारियों में दिक्कतें हो रही है। इस बार मार्च महीने में बर्फबारी नहीं हुई और अप्रैल महीने के पहले हफ्ते में जमकर बर्फबारी होने के बाद पुनर्निर्माण कार्य देरी से शुरू हुए। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं। पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ होने चाहिए, जो शौचालय है वो अभी अधूरे पड़े हैं। यहाँ पर तत्काल प्रशासन को उनको समय पे काम पूरा करना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे लोकल लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोकल लोगों को परमिशन देनी चाहिए, चाहे वो लॉटरी वाले हैं, टेंट कॉलोनी वाले हैं, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है खाद्यान्न बहुत कम मात्रा में ऊपर पहुंचा है। घोड़े खच्चरों की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे नहीं है और प्रशासन को जल्द से जल्द घोड़े खच्चरों को यहाँ पर परमिशन देनी चाहिए ताकि खाद्यान्न और अन्य सामग्री वहाँ पे पहुंच सके, जिससे यात्रियों को वहाँ पे दिक्कत न हो। केदारनाथ धाम में आईटीबीपी के जवान भी तैनात हैं, जो शीतकाल में भी बाबा की सुरक्षा में डटे रहे। अब इनके सामने यात्रा सीजन में तीर्थयात्रियों को बेहतर ढंग से दर्शन कराने का जिम्मा है। हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे ड्यूटियाँ की है। बाकी हम अभी विंटर हमने यहाँ पे ड्यूटियाँ कर ली है, अभी समर में हमें जैसे आदेश मिलेंगे उस प्रकार से आगे की कार्रवाई करेंगे। ऐसे में शुरुआती चरण की यात्रा में श्रद्धालुओं को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। टीम न्यूज स्टेट। और इन खबरों के साथ पार समाचार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते